Present indefinite, past indefinite, future indefinite. Present continuous, past continuous, future continuous. Indefinite and continuous tenses को मैंने याद कर लिए हैं. इसके बाद perfect tense और perfect continuous रहते हैं याद करने के लिए. फिर direct indirect सीख लूँगी, active passive voice सीख लूँगी, past of speech की revision कर लूँगी. I think ये सब करके मुझे इंग्लिश आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी ना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर. मैं हूं आपकी टीचर मिस सबा. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कल ही पूछा कि मिस क्या ये तमाम ग्रामर सीखने के बाद मुझे इंग्लिश आ जाएगी. तो मेरा रिप्लाई उनको सिर्फ एक था, क्योंकि ये ग्रामर होती है हमें चीज़ों के बारे में बताने के लिए. हमें पता हो कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस कौन से सेंटेंस को कहते हैं. ये स्ट्रक्चर्स हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट्स? दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेंटेंस. ये तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ये वो हैं. ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसे आपने वर्बली पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, इट्स फाइन. बट जब आप कन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें, तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यानी यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. किसी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन करें, घर में घर वालों से साथ कन्वर्सेशन करें, कन्वर्सेशन सुनें. जितनी ज़्यादा आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन सुनेंगे बोलने की कोशिश करेंगे, उस तरह से करने की कोशिश करेंगे, एंड देन आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इंक्रीज होगी. ग्रामर सीखने से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का कोई लेना देना नहीं है. मैं आप लोगों को छोटे बच्चों की एग्जाम्पल्स देती हूँ. छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको क्या पता, स्मॉल किड्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स के, प्री प्राइमरी स्कूल्स के छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कन्वर्सेशन करते हैं तो उनको क्या पता कि इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस टेंस कौन से हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से हैं, एक्टिव पैसिव क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस कौन से हैं. सो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आप लोग अगर सीख लें तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी. यानी कि अगर आप जब राइटिंग की तरफ अपनी इंग्लिश को लेके जाएं तो वो बेहतरीन हो जाएगी. बट स्पीकिंग के लिए इन तमाम चीज़ों का सीखना ज़रूरी नहीं है. स्पीकिंग के लिए जो ज़रूरत है वो है आपकी प्रैक्टिस की, कि आप प्रैक्टिस करें. क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, लातादाद इंस्टीट्यूट हमारे आस पास ओपन हैं जो कि ये दावा करते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में आइए, हम आपको जो है वो इंग्लिश सिखाएंगे. एंड यकीन कीजिए, वो इंस्टीट्यूट 2-3 महीने का जो कोर्स ऑफर करते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें वो लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हाथ में एक हैंडआउट पकड़ा देते हैं एंड वो हैंडआउट रीड करके उसमें बेसिक नॉलेज दे देते हैं. बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज दे देते हैं उनको, ये टेंसेज होते हैं, ये एक्टिव, ये डायरेक्ट, ये वो. 2 महीने तक स्टूडेंट्स के आते हैं, वो सीखने कुछ और आए हैं, सीखते वो कुछ और हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो इंस्टीट्यूट ओपन जो कोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट है वो जाता है कि मैं फर इंग्लिश बोलूँ. एक स्टूडेंट जाता है इंस्टीट्यूट कुछ सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, यानी उसको अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करवानी है. जबकि इंस्टीट्यूट उनको लगा देते हैं ग्रामर सीखने के लिए, यानी उनको इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, एक्टिव वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें उलझा देते हैं. वो स्टूडेंट 2 महीने तक उनमें उलझ के वो वहीं का वहीं स्टक हो जाता है. तो आप लोग इन इंस्टीट्यूट्स में जाने के बजाय घर में बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. किस तरह, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोज़ देखिए, कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक्स ले लीजिए, डिक्शनरीज़ ले लीजिए. डिक्शनरीज़ में आप कोई वर्ड देखिए, उसको आपको बोलना नहीं आ रहा, आप गूगल पर टाइप कीजिए,
गूगल आपको प्रोनाउंस करके बताएगा कि इस वर्ड्स को किस तरह बोलते हैं। इस तरह से जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आप चाहे लाख ये जितने भी ग्रामर टेंसेज हैं इनके बारे में प्रैक्टिस कर लें, आप लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइसेस के बारे में पढ़ लें, कि आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते आप उसकी प्रैक्टिस ना करें। सो प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की अगर आप सीखना चाहते हैं तो। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके अलावा भी कोई टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं कि हम पोस्ट करें तो आप नीचे कमेंट्स में रख लीजिएगा। अल्लाह।